दिखाएंगे आपको पावटा से अगला समाचार, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर्वांगीण विकास वार्षिक सभा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलम यादव बहरोड ने अपनी शिरकत की और महिला अधिकार में भारत के भविष्य पर संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूरणमल भरगढ़ प्रमुख समाज सेवी कोरपुतली ने कहा कि मातृशक्ति जब आगे बढ़ती है तो समाज भी आगे बढ़ता है, और यह गौरव की बात है कि आज मातृशक्ति को सम्मान भी मिल रहा है और आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। कौन अवसर पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है महिलाओं के लिए, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? आज ये जो महिला दिवस पे जो 8 मार्च को जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये प्रोग्राम राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज के अधीन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा प्रमोन्नत लक्ष्य CLF की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है। इस वार्षिक आम सभा का आयोजन करने का उद्देश्य ये होता है कि ये जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन या जो लक्ष्य जो CLF है, ये सोसाइटी एक्ट 2001 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जिसमें सोसाइटी एक्ट के अनुसार मानिए या राजीविका के नियम अनुसार मानिए, उसकी वार्षिक आम सभा का होना इसलिए आवश्यक हो जाता है जिससे हम उन पूरी पत्रावलियों को सहकारी विभाग में जमा करवा सकें, और साथ में यहाँ अगर कोई अन्य योजनाओं का प्रस्ताव अगर लिया जाता है तो उसका अनुमोदन भी यहाँ किया जा सकता है। इसलिए हमने इस पावन अवसर का उपयोग किया और आज इस पावन अवसर पर हमने महिलाओं का आम सभा के रूप में एकत्रित किया, जिसमें हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य? देखो आज ये अच्छा लगा है कि राजीव का एक बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की। इस योजना से एक माता शक्ति अपने मंच के माध्यम से जरूरी है, बहुत अच्छा योजना है जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा और आज के दिन सभी माता शक्ति को।